बिहार चुनाव की यात्रा का सफर जारी है और हम पहुंचे हैं सिंहगढ़ के नरकटिया गांव में, एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। काफ़ी दूर दूर तक फैली बालू, यहां पे खराब सड़कें जो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये नावें आप देख रहे हैं, कई सारी नावें यहां पे लाइन से लाइन रखी हुई हैं, जो लोग हजारों लोग इस नावों पे सवार होके हर रोज़ 2 से 3 बार उस पार जाते हैं, नदी की जो है धारा पार करके फिर वापस आते हैं, पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं, अपने खेतों को देखने जाते हैं। महिलाएं, हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे अभी यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो प्रशासन से क्या चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने वोट बहिष्कार का भी जो है ऐलान कर दिया है, नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक यहाँ पे पुल नहीं बन जाएगा, उनकी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो जाएंगी, तब तक वो ना नेताओं को घर में घुसने देंगे ना प्रशासन से बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? सिकंदर साहनी। अच्छा, ये बताइए, ये जब नदी में बाढ़ आती है तो किस तरीके की दिक्कत आती है, और इस गांव के आसपास के जो गांव हैं उनको क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किल बहुत ज़्यादा आती है ना, पूरा पानी जो होता है घर में पहुंच जाता है, लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ता है। ये समस्या के हल करने के लिए आपको ये यहाँ बांध बनवाना होगा, ये रोड बनवाना होगा, जो दो तीन गो जिलों को जोड़ते हैं। ये जब तक नहीं बनेगा, जब तक बांध नहीं बनाएगा, जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। ये हर हाल में ज़रूरी है, ये दिक्कत 40 से 50 वर्ष से है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है? ये देख रहे हैं कि पुल भी आधा बना पड़ा है। ये पुल तो कैंसिल हो गया, ये रघुनाथ झा के साहिबी में बने हुए थे, रघुनाथ झा के क्या हुआ ना क्या हुआ वो छुड़वा दिए, रघुनाथ झा अपने डेट भी कर गए और ये पुल ऐसे ही रह गया। क्या नाम है आपका? रजकाली देवी। अच्छा, ये बताइए, दिन में कितनी बार नदी पार करनी होती है? 2 टाइम सजिया भी नहीं आ, 2 टाइम जाए ली हमनी घास। क्या क्या नाव से क्या क्या लेके आते हो? जारना, घास। कितनी दिक्कत होती है ये, जो जब बाढ़ आ जाती है तो और समस्या बढ़ जाती होगी? बहुत दिक्कत हो जाले, ये घड़ी तो लड़को से खेबले बोले, वो घड़ी को समझे में ना बोले, को खुलबे नहीं। हमने के कथी चाहिए? हमने के रोड चाहिए, बांध चाहिए, घर दहा जाले, पानी आवले तो घर गिर जाला, पानी में हो जाला, आदमी डेंगी पर रहला। अबे सामने नाव से जाते हो, डर नहीं लगता है? ये रोज 3 बार जाते हो? डर लागल है कि जाए पराने पर हाथ रहल है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, ये जो रास्ता है ये करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है और इतना उबड़ खाबड़ है कि आदमी जो है ढंग से जा नहीं सकता। तो यहाँ के लोगों ने वोट के लिए बहिष्कार किया है कि वो इस बार मतदान नहीं करेंगे, लेकिन इनकी मांग है कि अगर यहाँ पे ये सड़क बन जाए, ये डैम बन जाए, तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंदल मंडल है। अच्छा, ये बताइए, ये जो बाढ़ जब आती है उससे कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है, कितना नुकसान बता दें लोग के, तो अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे कैसे लोग जा रहा है आ रहा है, सब तो ऊपर वाला जानते होंगे। खेती बाड़ी का क्या नुकसान है? खेती बाड़ी का देख रहे हैं, धान दह गया है, कहीं कहीं धान एगो दूगो है, क्या करे, गरीब आदमी तो मर गया। बहुत बाढ़ आता है, बहुत 2-3 महीने तक रहता है, उसके बाद हम लोग पढ़ने भी नहीं जाते आराम, बाढ़ में तो कपड़ा गीला हो जाएगा, कोचिंग जाने में भी, स्कूल जाने में भी दिक्कत होता है, और क्या होता है, बहुत दिक्कत है। मैंने बाढ़ के सीजन में यहाँ का रास्ता ही ख़त्म हो जाता है पूरा, इधर से अभी भी रास्ता समाप्ते है, टोटल रास्ता जो है ना। ये रास्ता कितने दिन से ऐसा ही उबड़ खाबड़ पड़ा है? ये करीब आपको 2500 साल 2300 साल से है, ज़्यादा ही होगा, मैंने 25-30 साल से अधिक से है। कितना बार पुल बना, टूटा, माने पुल बनने के क्रम में हुआ, एक 4-5 पाया बनाया, अपना धारा अलग चेंज कर लिया बागमती, फिर बंद हो गया, यही हुआ। शिवहर जिले के इनरवा गांव में हमें मिले, यहां पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। मुन्ना हमारे साथ में है, इनका काफ़ी नुकसान हो गया था,
करीब 12 लाख रुपए का की जो है सब्जी और फसल जो है इनकी चौपट हो गई। इनसे समझते हैं कि ये बाढ़ इनको कितना कष्ट देती है। आप मुन्ना जी, आप बताइए कि आपका जो ये बाढ़ है ये हर साल कितना नुकसान कर देती है? साहब, बाढ़ में तो हम लोग सब्जी करते हैं, यहाँ पर तरबूज है, कदुआ है, कोहड़ा है, ये खीरा है, घुरा है, ये सबका खेती करते हैं यहाँ पर नदी पर। तो कोरोना के चलते कर्जा लाए, इधर से लाए उधर से, यहाँ गांव का देहात का कर्जा काटे, 20 लाख रुपया लगाते हैं, 20-22 लाख रुपया, तो मानिए ना आपकी 8-7 लाख का माल बिका ही नहीं, बाकी सब माल खेती पे सड़ गया थी कोरोना के चलते। तो ये लॉकडाउन में हुआ, मतलब इससे बाढ़ का कोई असर नहीं है? बाढ़ का सर तो कोई असर नहीं है, बड़का तो बाढ़ तो पार साल नुकसान कर गया था, पर किसान बाढ़ में सब डूब गया था। पिछली बार सारी बाढ़ में डूब गई, इस बार कोरोना में चली गई। कितने का कर्जा, कितने का हो गया? 10-12 लाख रुपए कर्जा था। बहुत परेशान है, क्या करें बताइए। नहीं, सरकार से यही कि हमें सुविधा दे, रोड उड बनवा दे, यही सब चाहते हैं हम लोग। शिक्षा में आगे कुछ, मतलब हम लोगों को तरक्की उरक्की करवाए, बिहार का तरक्की करवाए, दूसरा हम लोग क्या चाहेंगे। यही मतलब अपने सरकार से चाहेंगे कि हमारा सरकार अच्छा हो, मतलब पब्लिक को हर सुविधा दे, बस यही ना चाहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।